तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का भी रनिंग समाप्त हो गया और लगभग एक से डेढ़ मंथ में मतलब एसएससी जीडी का मेडिकल भी होने वाला है। तो हमारे पास एक आए हुए जहानाबाद जिला का, मेरा घर हुआ गया जिला में और इनका घर है जहानाबाद जिला में। तो इनका भी एसएससी जीडी का रनिंग मतलब पास कर चुके हैं और मेडिकल के लिए आए हैं। तो इनसे मुलाकात है, मैं गांधी मैदान में हुआ था रनिंग करते समय, तो हम बोले थे ठीक है जब आप रनिंग कंप्लीट कर लिया तो आपको हम प्री मेडिकल चेकअप कर देंगे एक बार, ताकि आपको फिर टेंशन ना रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब किस जगह पर हमें कोई दिक्कत है, किस चीज़ में हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आज आए हैं, आज सैटरडे था तो टाइम निकाल कर आए। मेरे को सैटरडे और संडे दो दिन छुट्टियाँ में मिलता है, तो इसलिए हम सैटरडे को इनको बुलाए थे कि सैटरडे को आएगा, आज मेरे रूम पे आए हैं तो इनको हम मेडिकल चेकअप करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट हम बताएंगे जो वहाँ पास मेडिकल में चेकअप होगा, क्योंकि हम भी मेडिकल एसएससी जीडी का दिए हैं तो हमें पता है कि सारा चीज कहाँ कहाँ कैसे चेकअप होगा, तो हम एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो इनका जो नाक है, सबसे पहले हम नाक से स्टार्ट करते हैं। तो जो नाक है, नाक में आपको दो चीज चेक करेगा, पहला चीज होता है डीएनएस और दूसरा होता है, जैसे कि डीएनएस मतलब नाक का जो हड्डी हो गया वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाक का हड्डी एकदम सीधा होना चाहिए। किन्हीं कहा था कि नाक का हड्डी हल्का सा टेढ़ा रहता है या तो नाक आगे में है उठा रहता है, जैसा आपको फोटो पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस टाइप से अगर आपका स्ट्रक्चर अगर है तो दिक्कत होगा, लेकिन इनका नाक एकदम सही है, पहला चीज हो गया नाक में। नाक में फिर दूसरा चीज चेक करता है कि नाक के अंदर आपका कोई मांसा तो ना, जैसे कि मांस बिक देता है या किसी प्रकार का कोई जख्म वाला, मतलब कोई भी चीज जो नाक का जो नली होता है दोनों सुराख, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इनका नाक में कोई दिक्कत ना है, अगर यही कहा होता है कि जो सुराख होता है ना उसमें किन्हीं का मांसा लटकल रहता है, तो ऐसा होगा तो आपको वहां पर रीमेडिकल दे देगा और टाइम देगा, लेकिन अब टाइम भी दो ही तीन दिन का देता, तो दो से तीन दिन में आप क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और पहले था कि 40 दिन का टाइम देता था, तो आप उसका ऑपरेशन करा के जो एक्स्ट्रा जो भी मांस निकला उसको आप हटा सकते थे या फिर जख्म उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन अब 2 से 3 दिन का टाइम देता था, 2 से 3 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आपका अभी भी अगर कोई मतलब नाक में अगर किसी प्रकार का मांसा है या फिर कुछ भी है तो आप उसको ऑपरेशन करके हटा सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन कराना, जैसे आँख का हो गया लेजर सर्जरी या तो फिर हाइड्रोसिल का या फिर किसी प्रकार कोई बड़ा ऑपरेशन कराना, तो उसको पुराना 6 महीने पहले का कराया होना चाहिए, लेकिन ये सब चल जाता है नॉर्मल ये हो गया या फिर पाइल्स का हो गया ये चल जाएगा, लेकिन जो बड़ा सर्जरी रहेगा वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, तो हम इसके लिए मतलब बोल सकते हैं, लेकिन और किसी चीज़ के लिए जैसे आँख का ऑपरेशन हो गया जो लेजर सर्जरी होता ये सब के लिए हम नहीं बोलेंगे। तो ये नाक में दो ही चीज़ चेक करेगा, डीएनएस और जो मांस रहता है उसको। दूसरा फिर आता है आँख पे, नाक के बाद हम आँख पे चलते हैं। आँख पे आपको चेकअप पहला क्या होगा कि जैसे ही आप जाएगा तो पेन पॉइंट चेकअप करता है, जैसे कि आपको ये देगा बोलेगा कि इसका पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसको ताकि एकदम, और उसके बाद एक बार इसको लॉक कर लेना, इसको फिर छोड़ना नहीं है। जैसे लॉक कर लिए अब इधर लेके देखिए आँख इधर जा रहा है, नीचे ला रहा है तो नीचे जा रहा है, मुड़ी नहीं घुमाना, इधर ला तो देखिए इधर आ रहा है, आँख पे फोकस करना, अब ऊपर ले जा रहा है देखिए ऊपर जा रहा है, ये क्या हो गया एक बार लॉक हो गया। जब लॉक हो गया तो जिधर करेंगे उधर जाएगा, ये नहीं कि जैसे हम लॉक कर लिया जैसे मुड़ी हम इधर करते मुड़ी अब करिएगा इधर, आँख नहीं करना मुड़ी इधर इधर ले गया तो मुड़ी जैसे गया, हम इधर ला तो मुड़ी ऐसे, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है जब इसको लॉक कर देना पॉइंट को, और जब बोले इधर गए तो सिर्फ आँख जाना चाहिए, नीचे तो सिर्फ नीचे आँख, मुड़ी नहीं इधर तो सिर्फ इधर, ये चीज चेकअप होगा पहला चीज। दूसरा फिर आपको मतलब आपको आँख पे टॉर्च जलाएगा, उससे क्या होता है ना कि जो आपका आँख का जो छिद्र होता है जिससे लाइट अंदर प्रवेश करता है रेटिना के पास जो जाता है, तो जैसे ही आप तेज लाइट में जाएगा तो आप उस सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, जब अंधेला में जाएगा तो सिकुड़ के बड़ा होगा, तो जब आप रूम में रहेगा तो नॉर्मल लाइट पर रहेगा, एक बार जब टॉर्च जलाता है ना तो वहाँ पर सिकुड़ना चाहिए, लेकिन जिन किन्हीं का जो आँख खराब रहा था उनका सिकुड़ता नहीं है, तो ये दूसरा चेकअप हुआ। तीसरा होता है आपका छोटा किताब देगा, जैसे कि नॉर्मल इस टाइप से किताब है, मतलब इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा रहेगा उसमें छोटा छोटा अच्छा लिखा रहेगा, अब बोलेगा इसको पढ़ के बताओ, जैसे छोटा छोटा इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ, इतना ही दूरी पर ऐसी किताब पकड़ ले रहेगा, अब बोलेगा इसको पढ़ के बताओ, तो जो भी लिखा आपको साफ साफ पढ़ना, उसमें लिखा यही रहेगा कि मैं सफ़ेद लाइट नीली रोशनी और सफ़ेद रोशनी में साफ साफ 25 सेंटीमीटर की दूरी से साफ साफ पढ़ सकता हूँ, यही चीज़ लिखा रहता है। आप चाहिए तो नेट पर सर्च मारेगा तो पूरा लाइन दे देगा, लाइन याद करके भी जा सकते हैं, क्या कि सब जगह यही लाइन पढ़ने के लिए लगभग देता है कि नीली रोशनी सफ़ेद रोशनी में हमें 25 सेंटीमीटर दूर से पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होता, इस टाइप से लिखा हुआ रहता ये हो गया। उसके बाद फिर आपको चेक करेगा क्या जो दूर डिस्टेंस विजन होता है, जो 15 फीट 16 फीट दूर पर चार्ट रहता है, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है चार्ट, वह चार्ट दे देगा और यहाँ पास आपको टेबल पर बिठा देगा, अब बैठाला के बाद आपको इस टाइप से कार्ड देगा, ये तो शादी के कार्ड है पर शादी के कार्ड वहाँ नहीं रहेगा, इस टाइप से कार्ड देगा,
पहले बोला कि अपने आंख झांक लो, तो वहां आंख झांकेगा ना तो इस टाइप से कर्म करके झांकेगा, इसे करके। इससे क्या हुआ कि जब आप ऐसे झांकेगा तो ये आंख बंद रहता है, एक बैग बंद के बाद खुलेगा ना तो इससे दिखाई नहीं देता, इसलिए आंख अंदर ही खुला रहना चाहिए। और इस टाइप से आप अपना हाथ रखिएगा, आप हाथ रखिएगा उसके ऊपर से अपना कोट रखता है इसे करके। तो जैसे कि हाथ है तो ये हाथ अपना रखेंगे, पहले रखिए हाथ ऐसे झांक लिया और यहाँ से फिर कोट से ऐसे झांक देगा। अब बोलेगा कि पढ़ो, जैसे वहां पास एक दो आदमी रहता है तो एक रहेगा बोर्ड के पास में जो आपको बताएगा क्या कि डंडा से रखे वाला, बोलेगा कि यहाँ पास देखो अगर मान लिया जाए कि एबीसीडी है तो एबीसीडी पढ़ेंगे, काका का है तो काका का पढ़ेंगे, या तो सिंबल वाला रहता गोल रहेगा बोलो किधर से मुंह खुला हुआ है तो वहां पास डंडा रखे बताओ इसका मुंह किधर खुला हुआ है, या फिर ये क्या लिखा हो ए है बी है क्या लिखा हो आपको पढ़ के बताना है, या बोलेगा यहाँ डंडा रख दे यहाँ से इधर राइट साइड में पूरा पढ़ो, इधर से लेफ्ट साइड में पूरा पढ़ो, इस टाइप से बताएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें पॉइंट रहता है जो सबसे नीचे रहता वो 6x6 रहता, अगर सबसे नीचे तक आप पढ़ जाता है तो 6x6 आप पढ़ गए, और उसके जस्ट ऊपर होता है 6x9 तो वहां तक आप चल जाएगा, 6x9 से ज्यादा नहीं हो, जैसे 6x12 है तो वो नहीं वहां पर एक्सेप्ट होगा। आपका राइट आई में 6x6 होना चाहिए और लेफ्ट आई में 6x9 तक चलेगा, लेकिन राइट में 6x6 होना चाहिए। अब इसमें बहुत लोग का आता है प्रॉब्लम कि क्या हम लेजर सर्जरी करवा सकते हैं आंख को सुधारने के लिए, या फिर हम लेंस लगा के जा सकते हैं। तो भाई जो लेंस आता है लेंस लगा के जाएगा तो लाइट से चमक जाएगा दिखाई देगा, लेंस तो क्या होता है ना कि रिमूवल लेंस बोलता है कि रिमूवल लेंस लगा के जाएंगे तो काम चल जाता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुरंत पकड़ा जाएगा रिमूवल लेंस में, और पकड़ा जाएगा तो तुरंत वहां पर रिजेक्ट कर देगा। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था जो मेडिकल का जो आता है ना नोटिफिकेशन उसमें देखिएगा साफ साफ लिखा रहता है कि आंख में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी कार्यक्रम कराकर नहीं जा सकते हैं, जो कि दृष्टि सुधारक जो भी ऑपरेशन होता है जैसे लेजर सर्जरी हो गया या तो फिर आप लेंस लगवा लें ये सब नहीं कराना है उसमें। तो अगर आप लेजर सर्जरी भी करवाइएगा ना तो क्या होता है कि लेजर सर्जरी से क्या होता है जो ऊपरी परत होता है उसको हटा देता है रिमूव कर देता है, तो रिमूव के कारण क्या होता है कि आंख लगभग 3 से 4 महीने तक पूरा लाल लाल रहता है रेड रहता है, तो लेजर सर्जरी जो करवा के आता है उसको पकड़ा जाता है तुरंत। और अभी आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 महीने हार्डली 2 महीने 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 महीने का टाइम मिलेगा और 2 महीने में आपका आँख ठीक नहीं होगा। तो आप लेजर सर्जरी करवाएं हैं तो 6 महीने पहले अगर करवाएं जैसे कि फिजिकल से पहले आप करवा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फिजिकल के बाद करवाना चाह रहे हैं या फिर फिजिकल के बाद करवाएं उनको दिक्कत हो सकता है। कितन कराता है कि नहीं पता चल पाता बहुत जल्दी ठीक हो जाता तो अच्छी बात है आप करवाइए, अगर आपका जल्दी ठीक हो जाता है अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि नहीं बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा तो आप करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे कि अगर आप अभी करवाइएगा तो वहाँ पास पकड़ा जाइएगा और आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये 2 चीज़ हो गया आँख में हो गया कि फिर लास्ट में देता है कलर विजन वाला, जैसे कि कलर विजन वाला बुक है ई बुक नहीं तो नॉर्मल कॉपी है, कॉपी दे देगा टेबल पर रख देगा आपको ऐसे खड़ा रहना है टेबल पर, इतना ऊंचा टेबल पर रख दिया बोलेगा इसको पढ़ो हाथ से छूना नहीं आपका अंगुली लाना है यहाँ पास कि लाइन कैसे कैसे घूम रहता है इसे ऐसे करके बताना है, लेकिन आपको कॉपी को नहीं छूना रहता इधर या कितना लिखा है तो 8 लिखा है या 67 लिखा है 68 लिखा है आपको पढ़ना है कॉपी को छू कर नहीं पढ़ना, बस इतना ही डिस्टेंस पर रखा रहेगा आपको खड़ा हम सीधा खड़ा रहकर बनाएंगे कि टेबल रहता है इसे टेबल पर हाथ रख कैसे झुकना के लिए ऐसे नहीं करना था, यहाँ टेबल पर ऐसे रखा हुआ तो आपको ऊपर से ही खड़ा होकर देख के पढ़ना, जब पैटर्न के लिए दे देगा कि कहाँ से कहाँ लाइन कैसे गया तो आपको इधर से इधर अंगुली ऐसे ऐसे करके घुमाना है लेकिन कॉपी पे हाथ रख के नहीं, चीज हो गया। अब उसके बाद फिर आते हैं दांत के ऊपर में छू लेता है, जैसे दांत बहुत लोग का सड़ा हुआ रहता है जैसे दांत में कि अगर मेरा फ्रंट वाला दांत टूटा हुआ है या तो फिर जो मेरा मोलर टीथ है ये टूटा हुआ है या फिर सड़ा हुआ है तो क्या पास हो पाएंगे नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुका था, तो हम आपको इसमें दिखाते हैं कि क्या क्या दांत में चेक करता है। मुखलिए देखिए इनका दांत बहुत ज़्यादा गंदा है, जो इनका दांत है बहुत ज़्यादा गंदा है कैविटी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसको आप साफ करवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हम तो मतलब मेडिकल से एक दिन पहले जब वहाँ मेडिकल देने गए थे ना तो उसी दिन एक दिन पहले जैसे कि मान लीजिए मेरा कल मेडिकल है तो आज ही हम दांत साफ करवाए थे साफ करा के गए थे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर दांत आपका पूरा सड़ा हुआ है जैसे साफ कराए साफ कराने के बाद भी आपका दांत पूरा सड़ा हुआ है देखिए इनका पूरा एकदम अति है तो आपको दिक्कत है, दांत सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इनका लास्ट वाला दांत भी मतलब कम है तो लास्ट वाला दांत चल जाएगा, लास्ट वाला दांत अगर इनका सड़ गया था तो निकलवा लिया था तो लास्ट वाला दांत चल जाएगा, लेकिन हाँ बीच से आप अगर निकलवाते हैं गैप बन जाता है जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा हो कि दो दांत के बीच में एक गैप बना हुआ था एक गैप वहाँ पास एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब बीच लास्ट से कड़वाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पैटर्न के सबसे लास्ट में दांत है वहाँ से आप निकलवा लीजिए कोई दिक्कत भी नहीं है, ना आपको दांत लगवाने की जरूरत है ना कुछ लास्ट वाला निकाल दें, लेकिन अगर आपका दांत फिर उसमें और रहता है कि दो दांत तक लास्ट का चल सकता है या फिर आप दांत अगर सड़ा हुआ तो आप कैप उसको लगवा लीजिए जो बीच में दांत सड़ा हो उसमें कैप लगवा लीजिए तो दो दांत तक अलाउ रहता है, लेकिन अगर आपका फ्रंट का दांत अगर टूट गया तो फ्रंट का दांत में कैप अलाउ है लेकिन बीच से जो गैप रहता है वो अलाउ नहीं है। फिर होता है गैप के बाद होता है क्या तो आपका दांत का पैटर्न कैसा है मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ तो नहीं है, जैसे इनका दांत हल्का सा चढ़ा हुआ है लेकिन इतना चल जाएगा और नहीं दिख ला
जैसे इनका दांत का देखिए, यहाँ पास ई वाला दांत हल्का सा बाहर में बिगे हुए हैं, लेकिन इसे कोई दिक्कत नहीं है। कहे कि इनका दांत का पैटर्न ठीक ठाक है, बस खाली दांत ही अपना साफ करा लेंगे तो चल जाएगा। ये दांत ही हल्का सा बाहर में बिगे हुए हैं, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन इनका दांत मिला जुला के दांत का पैटर्न ठीक है, ज्यादा दांत के बीच में गैप भी नहीं है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो दांत में जो पैटर्न के बीच में जो गैप है, ऐसा दांत आपको नहीं चलेगा। या तो फिर एक दूसरे पर जो चढ़ा हुआ दांत का जो फोटो दिख रहा होगा, ऐसा भी दांत वहां पर एक्सेप्टेड नहीं रहता है। ये हो गया नाक, हो गया आंख, हो गया दांत, हो गया। अब आता है कान पे। कान पे दो ही चीज चेक होता है। पहला तो होता है कि जो आपका कान के पर्दा, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। दूसरा, कान एकदम साफ सुथरा करके जाइएगा, ताकि जैसे कान में आपको वहां पर स्वैक्स दिखेगा, जिसको हम हिंदी में कंधुआ बोलते हैं, वो दिखेगा तुरंत वहां पर रीमेडिकल लिख देगा बिना चेक किए। टॉर्च जलाएगा, टॉर्च जला के इसे चेक किया, इसमें कंधुआ निकला, तुरंत वहां रीमेडिकल लिख देगा। लेकिन वही साफ रहेगा ना, तो अच्छा से वहां पर चेक करेगा। अगर कान में छेद रहा तभी रीमेडिकल लिखेगा, नहीं तो पास। कान में और कुछ नहीं चेक करता आपका कान का, मतलब ये अंदर में कैसा है, कहाँ है, ये सब कोई चेक नहीं करता। हाँ, अगर कान किन्हीं का ऐसा सिकुड़ा हुआ है, जैसे आपको फोटो में दिख रहा हो कान की इमेज है, ऐसा सिकड़ा हुआ है, तब कान में वहाँ पास दिक्कत हो। लेकिन नॉर्मली कान है, अब अंदर में साफ सुथरा है, या कान के पर्दा में छेद नहीं है, तो आपको कान है, बस 3 से 4 सेकंड में कान चेक हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आया टॉर्च लगा के देखा कान में गंदगी नहीं है, पास। और कुछ नहीं करता। कहीं कहीं का करता है कि स्वर्ण पूछता है, जैसे कि लड़का को खड़ा करवा दिया, कहीं कहीं हम लोग के सेंटर पैसा नहीं पूछता, एक खड़ा करवा दिया। अब बोला, जैसे हम पीछे से कोई वर्ड रिपीट किए, जैसे हम बोले 5, ठीक था, हम जोर से बोले है ना, वहां पास धीरे बोले, आपको वही बात को सुन के बोलना है। जैसे हम यहां से कुछ बोले, तो जैसे हम बोले 7, तो ये बोलेंगे 7, रिपीट करेंगे, वो धीरे से बोलेगा पीछे खड़ा करके, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा हो जाएगा, और खड़ा करके पीछे से रिपीट करने के लिए बोलेगा कान के, कान चेक करने के लिए। इसका और इससे ज्यादा कोई मशीन उसी नहीं लगाता। बहुत लोग होता है कि वहाँ पास आंख मशीन से चेक करता है, कान जो होता है मशीन से चेक करता, नहीं। जो फर्स्ट टाइम मेडिकल देने जाएगा तो ना तो मशीन से चेक करेगा, ना कान को ना आंख को। मशीन से कब चेक करेगा, जब आप रीमेडिकल देने जाएगा। वहाँ पास जब आपका आंख में रीमेडिकल दे दिया, तो आंख में पूरा मशीन से चेक करेगा। अगर कान में रीमेडिकल दे, तो कान में पूरा मशीन से चेक करेगा। पहले किसी भी टाइप से कोई मशीन, बस एक टॉर्च रहेगा और कान को चेक करने के लिए स्कोप रहता, बस वही रहता, इसके सिवा कुछ भी नहीं रहता। आंख में तो सिर्फ टॉर्च, टॉर्च दिया, जो चार्ट पढ़ना, चार्ट पढ़ा, बस खत्म। तो अब कान के बाद आता है, देखिए मेन चीज जो होता है नहीं चेकअप होता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। नाक हो गया, आंख हो गया, दांत हो गया, कान हो गया। दूसरा होता है ये आपका गर्दन, जो गर्दन है किन्हीं किन्हीं का गर्दन इसे झुका रहता है हल्का सा, इसे हल्का टेढ़ रहेगा। खड़ा रहेंगे ना, इसे खड़ा जब रहेंगे तो इसे हल्का टेढ़ रहेगा, तो उसमें भी दिक्कत करेगा। एकदम नॉर्मली इसे करके खड़ा रहिए, तो नॉर्मली एकदम गर्दन सीधा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है शोल्डर पे, आपको इस टाइप से दीवार पे खड़ा कर देगा, और शोल्डर जो है दोनों इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि पुष्पा भाई नहीं है, जैसे होता है हल्का सा झुके, झुकेगा नहीं साला वाला, ये वहाँ नहीं चलेगा, पुष्पा भाई वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ आपको नॉर्मली इस टाइप से रहेगा, एकदम दोनों शोल्डर इक्वल होना चाहिए। फिर शोल्डर के बाद आते हैं चेस्ट पे, गंजी खोल दीजिए, सिक्स पैक तो मस्त बना है। तो फिर गंजी खोलने के बाद आता है पिजन चेस्ट। जैसे ये हो गया ना कि ये वाला पोर्शन धंसा हुआ होता है, ये धंसा ना, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, बहुत लोग लगभग 6-7 लोग मैसेज किए थे जिनका पिजन चेस्ट था, तो ये पिजन चेस्ट है, इस ये धांसा हुआ रहता है। फिर किन्नी किन्नी का जो नेपल होता है ना, ये नीचे हल्का रहेगा, अप एंड डाउन रहता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल में होना चाहिए, इनका इक्वल में है, इनसे कोई दिक्कत ना है। अगर किन्नी का अगर अप एंड डाउन है, तो आप चेस्ट का एक्सरसाइज जाके कर सकते हैं जिम में, वहां से ठीक हो जाएगा, जो भी है वो ठीक हो जाएगा। इस चेस्ट में दो ही चीजें करेगा, पिजन चेस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा नेपल। किन्नी किन्नी का फीमेल की तरह हो जाता है, ये नेपल पूरा ऊपर में फुला हुआ रहेगा, तो आप जाकर इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पास यह चीज अलाउ नहीं है, वहां पास आपको रीमेडिकल देगा, रीमेडिकल में फिर अनफिट कर देगा। तो आपको चेस्ट में क्या अच्छा करेगा, पहला पिजन चेस्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा ये जो है नेपल जो है अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, तीसरा चीज है कि औरत लोग की तरह जैसे फीमेल को होता है ना, उस तरह से मतलब किन्हीं का पानी आ जाता है, तो उस टाइप से नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जैसे इनका एकदम सपाट है उसी टाइप से होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कैरी एंगल चेक करेगा। फिर कैरी एंगल में क्या है कि इस टाइप से हाथ करके एकदम यहाँ सीधा करेगा, ये जो दोनों पोर्शन है ये सटना नहीं चाहिए, ये जो दोनों सटना नहीं चाहिए, इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, ये 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में एंगल बनना चाहिए, जो एंगल जो बन रहा है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में। तो इनका जो एंगल है लगभग ठीक है, 15 डिग्री के आसपास इनका एंगल बनता है, जब हम चेक किए थे वहाँ फील्ड में, मेरे पास तो अभी नहीं है, जो मेरे सर है उनके पास स्टूडेंट है जो चेक करने वाला था, कैरी एंगल चेक करने वाला, तो इनका चेक हुआ था पहले कैरी एंगल फील्ड में, तो 15 डिग्री इनका बनता है कैरी एंगल। कैरी एंगल चेक करने के बाद आपको फिर फिंगर चेक करेगा, फिंगर में कोई चीज़ नहीं है, सही है। देखिए जैसे फिंगर दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ का इनका फिंगर सही है, थोड़ा गंदा ज़्यादा है, लेडीज की तरह रंग लिए हैं, ये सब वहाँ अलाउ नहीं जाएगा, नाखून उखून काट के जाएगा, ज़्यादा गंदगी मत लगा के जाइएगा। तो ई फिंगर है सही सलामत है, किन्हीं किन्हीं का फिंगर टेढ़ा होता है, जैसे ऐसे टेढ़ा हो गया, या फिर ई वाला पर्सन ऐसे झुका हुआ रहता है, जैसे है ना सीधा करेंगे तो ऐसे हल्का झुका हुआ रहेगा, तो ये सब अलाउ नहीं रहता, नॉर्मली फिंगर है। फिर फिंगर को एक करके चेक करेगा, सर ज्वाइंट वाइंट ऐसे ऐसे के चेक करेगा,
अरे भाई गोली चलाना है तो अगर आपका उंगली सही नहीं रहेगा तो गोली चलेगा कैसे? तो इस टाइप से चेक करेगा, उसके बाद फिर चेक करेगा क्या कि आपके हाथ से पसीना तो नहीं आता। देखिए ये बहुत देर से मतलब फैन बंद किया, क्योंकि वीडियो जब बना रहे हैं वो फैन बंद करके बना रहे हैं, तब गर्मी तो लग रहा है इधर बॉडी में पसीना है लेकिन हाथ में बिल्कुल ही पसीना नहीं है। तो पसीना कैसे चेक करेगा? वो अपना हाथ ऐसे धरा देगा, अब वो यहाँ धर लेगा, अब बोलेगा खींचेगा, अब वो अपना हाथ ऐसे धरा देगा, अब खींचेगा, वो आपको जोर से पकड़ना, उसको खींचे नहीं करना, मेरा हाथ पकड़े जोर से, तुम जोर से आई हम खींचेंगे, तो जिसका पसीना रहेगा उसका खींचा जाएगा, लेकिन हम इनका खींच रहे हैं, खींचा ही नहीं रहा, ये बड़ा जबरदस्त धर ले हैं तो नहीं खींचा रहा, वो ऐसे करके खींचेगा, तब जिसका पसीना रहता ना स्लिप करके निकल जाता है, ऐसे पसीना चेक होता है। और बाकी इधर से ऐसे मोड़ मोड़ के देख लिया, हो गया खत्म। हाथ में यही चीज होता है कैरी एंगल, आपका अंगुली सही होना चाहिए, आपका नाखून सही होना, नाखून जैसे किनी किनी कहा था कि चोट लग जाता है एक्सीडेंट में बीच से फट गया, या तो फिर आधा नाखून ही गायब है जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा, उस टाइप से अगर आपका नाखून है जैसे बीच से फटा हुआ या तो फिर कोई दिक्कत है तो ये सब अलाउ नहीं रहता है। तो देखिए कैमरा मैन कहीं दिक्कत है तो ऐसा नाखून अलाउ नहीं होगा, ये काट लिए थे गणास कैसे कटा था जी बिगना नहीं चाहिए, यह जो पैटर्न है जो रीढ़ की हड्डी क्या होता है किन्हीं किन्हीं का हड्डी यहाँ से जाके ऐसे हल्का टेढ़ा हो जाता है, जैसे ये है ना ये हड्डी यहाँ से है, और कहा होता है कि किन्हीं किन्हीं का यहाँ से जाकर हल्का सा घसक के ऐसा आ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए। दूसरा टेल बोन जो पीछे में होता है ना, हम लोग का टेल बोन होता है ना जैसे कि गाय भैंस का पूछ निकलता है ना, उसी तरह पहले हम लोगों में टेल बोन आता है, तो टेल बोन नहीं होना चाहिए, और मतलब नॉर्मल रहेगा हल्का सा रहेगा तो पास करता है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक फोटो भेजा है उनका बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, जैसे लग रहा है कि पीछे से कुछ घुसेले हैं, तो उस टाइप से नहीं होना चाहिए, उठ जाइए ऊपर, ये चीज़ हो गया टेल बोन नहीं होना चाहिए। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आँख से हो, नाक से हो, दांत से हो, कान से हो, सबका सॉल्यूशन वीडियो बनाया हुआ, आप मेरा प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, उसमें सब चीज का मिल जाएगा। आपको कैसे ठीक करना, अगर आपका मान लिया 6x12 आ रहा या 6x9 आ रहा तो उसको 6x6 कैसे करना, कितना दिन में ठीक होगा, सबका वीडियो दिया हुआ। दांत अगर मेरा सड़ा हुआ है तो दांत को कैसे ठीक करना है, दांत में पैटर्न, दांत पे भी स्पेशल वीडियो बनाया है, कान पे स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, हाथ में पसीना आता है, पसीना को कैसे ठीक करें इसका स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, सबका वीडियो बनाया हुआ। आप जाके मेरा एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, हम उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और नहीं तो आप ऐसे भी जाकर प्लेलिस्ट से चेक करते हैं। अब उसके बाद आता है प्राइवेट पार्ट पे, अब इनका पैंट तो खुलवाएंगे नहीं लेकिन इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक करेगा ऐसा हम बता देते हैं। नॉर्मली ऊपर ऊपर आपका जो पेनिस होता है, पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है फोर स्किन जिसको बोलते हैं, उसको पीछे जाना चाहिए, पीछे अगर नहीं जाता तो उसको फिमोसिस बोलते हैं, उसको आपको ऑपरेशन से निकलवाना, 2000 रुपये लगा लगभग ऑपरेशन कराने का, ऑपरेशन से उसको हटा सकते हैं जो फिमोसिस होता है। उसके बाद होता है जो आपका पेनिस में दो छेद नहीं होना चाहिए, एक ही छेद होना चाहिए, जिससे यूरिन निकलता है जो हमारा पेशाब निकलता है उसमें एक ही होल होना चाहिए, एक ही छेद होना चाहिए, दो छेद नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पेनिस के बाद आता है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होता है मतलब जो हमारा अंडा जो होता है, और दो अंडा होना चाहिए, दोनों इक्वल साइज में होना चाहिए, अगर हल्का डिफरेंस है मतलब एक का साइज 18 है एक का 19 चलेगा, मतलब 19 भी नहीं चलेगा लेकिन एक 10 है एक 20 है तो नहीं चलेगा, इतना बड़ छोट नहीं चलेगा। उसके बाद फिर पीछे में आता है पाइल्स, पाइल्स चेक करेगा, तो पाइल्स नहीं होना चाहिए, अगर पाइल्स है आपका तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं, कहा कि दवा से ठीक होने वाली बात नहीं है तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। फिर जैसे चेस्ट का चीज़ नहीं बताएं, चेस्ट में एक्सरे लेता है, वो आपका लंग्स का एक्सरे ये सब लेगा पूरा जो भी लेता है अपना, तो वो सब अपना एक्सरे पहले करवा के चेकअप करवा के जा सकते हैं। अगर आपको अगर सांस लेने में कोई दिक्कत उक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पास एक्सरे में कुछ निकलेगा भी नहीं, जिनका दिक्कत होता है उनसे 5 सेंटीमीटर फूलता ही नहीं है, वो पहले ही छट जाते हैं, जब 5 सेंटीमीटर फुला ले रहे हैं समझिए उनका सब स्वास्थ्य, एक्सरे में कोई दिक्कत ना होगा। फिर वहाँ पास ब्लड चेकअप होगा और यूरिन चेकअप होगा, तो ब्लड चेकअप में होता है हेमोग्लोबिन का टेस्ट, हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना है उसमें, अमाउंट नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन कितना है जो ब्लड होता है उसमें कितना है। फिर इन चेक किया जाएगा, यूरिन में आपको किडनी का देख लेगा किडनी आपका सही सलामत है नहीं, फिर या फिर उसमें शुगर का मात्रा कितना है सब पूरा चेक करेगा। उसके बाद आता है नीचे नौकनी पे, नौकनी कैसे चेक करेगा, पहले सटाइए पूरा सटाइए, पूरा सटा के देखिए, देखिए इनका पूरा सट गया, पैरी पूरा सट गया, इसको कैसे दूर करना है, इसका हम स्पेशल वीडियो ही बनाया है नौकनी का, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक क्या करना है कि कुछ ना, आप एक मार्किंग कर लीजिएगा, एक मार्किंग कर लीजिए, और मार्किंग कर लेकर दोनों पैर को एक साइड रखें जैसे आप खड़े रहेगा इस टाइप से, इसको हल्का सा अंदर में हिलाना है, और ये पैर को यहाँ पर चढ़ा कर थोड़ा टाइट करना, टाइट कर एकदम जोर से। अब इनके बीच में देखिए गैप बन गया, नहीं देख लो तो, अब देखिए पैंट ऊपर थोड़ा सा करिए, अब देखिए इसके बीच में थोड़ा गैप बन गया, ये कलम है ऊपर नीचे पूरा जा रहा है, गैप बन गया, गैप आपको दिख भी रहा होगा।
अगर इससे भी नहीं समझ में आता तो इस पर स्पेशल वीडियो बनाया हुआ कैसे आपको करना है, आप जाकर देख सकते हैं। नौकनी का एक्सरसाइज भी बताया हुआ है, ट्रिक भी बताया हुआ है नौकनी का कैसे ठीक होगा। तो दोस्तों नौकनी जो होता है खड़ा करने के बाद सुता को भी चेक किया जाता है। सुता के क्या करा जाता है कि पहले इसको ये है ना इसको सटा दिया था और नीचे थोड़ा सा नीचे दीवार में पूरा सटाओ अच्छा से पंजा, और इस पंजा को सटा देना है, इसको थोड़ा सा फैल करवाना है, दोनों हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फैल करो, हाँ ज्यादा ना थोड़ा थोड़ा फैल करो। अब उसके बाद इसको पैर को सटाया जाता है, इसको पूरा एकदम सटाना, यहाँ पास फैल रखना है, यहाँ पास फैल रखना है, और इसको पूरा सटाना है, इसको इसको पकड़ के सटाने के बाद इसके इसके बीच में जो यहाँ पास है ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये थोड़ा सा टूटा हो तो हम एक से लेते हैं, यहाँ से एक से छः तक लेंगे, एक से छः तक लेंगे, तो देखिए यहाँ पास लगभग कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर मतलब 4.25 है, 4.25 का ही गैप है। ये सेटल होना चाहिए पूरा और यहाँ पास फैल होना चाहिए और ये ऊपर सेटल होना चाहिए, ये नौकरी होता है। अगर इसमें 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप मिलेगा तो ये नौकरी में छाड़ देता है, जो यहाँ पास जो होगा ना इसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये जो है इसको पूरा ऐसे सटा देगा और ये फैल रहेगा। उसके बाद फिर वहाँ पास लकड़ी रहता है, इंजी टेप नहीं लगाना जाता, लकड़ी डालता है, लकड़ी अगर गिर गया नीचे तो आप रिजेक्ट हो गए, मतलब रीमेडिकल देगा या रिजेक्ट करेगा जो भी अनफिट करेगा, अगर लकड़ी अटक गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नौकरी के बाद आता है फ्लैट फुट, और फ्लैट फुट इनका पूरा का पूरा एकदम सटा हुआ है, थोड़ा भी गैप नहीं, मतलब आर्च बिल्कुल भी नहीं भरा, इनका फ्लैट फुट है। इनका दो तीन पॉइंट हम बताएंगे कि इनका दिक्कत कहाँ कहाँ है, ये फ्लैट फुट है। उसके बाद फिर फिंगर चेक करेगा पैर का, पैर का फिंगर ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का दिक्कत भी रहेगा तो कोई दिक्कत ना, उतना ज़्यादा चेक नहीं करेगा, इतना हाथ का फिंगर चेक करता ना पैर का फिंगर में उतना ज़्यादा चेक नहीं होता। तो ये पूरा ऊपर से ले चेक के नीचे तक चेकअप हो गया इनका। अब इनका बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ इतना देर में पकड़ा है। सबसे पहले पकड़ा है कि बोलते हैं हल्का हकला के, जो बोलते हैं क्लियर नहीं बोलते हैं, वहाँ पास हकलाने वालों को वहाँ पास रीमेडिकल देता है, रीमेडिकल में रिजेक्ट कर देता है। जो हकला कर बोलता है ये बोलता है ना थोड़ा सा फंसते हैं बोलने में, तो वहाँ पर जो बोलने में फंसता है उनको दिक्कत होता है। दूसरा इनका फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट में दिक्कत करेगा। उसके बाद हल्का नौकनी है, नौकनी में अगर चाहेंगे तो खुद से ही बच सकते हैं, अगर नौकनी चाह लेंगे तो बच सकते हैं, लेकिन नौकनी में भी इनका प्रॉब्लम है। तो इनका तीन पॉइंट मिला है, पहला हो गया हकलाने वाला जो कि मेजर प्रॉब्लम है, उसको माइनर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हकलाने वाला को छाड़ देता है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है उनका फ्लैट फुट, क्योंकि एकदम पूरा का पूरा फ्लैट है, आर्च बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा नौकनी होता है, नौकनी में बच भी सकते हैं। इनका मेजर प्रॉब्लम दो ही है, बोली हो गया नीचे फ्लैट फुट हो गया। तो अगर किसी इसे पूरा का पूरा मेडिकल में कोई भी चीज़ पर आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट मेरा एक बार चेक कर लीजिए, उसमें पूरा का पूरा मेडिकल के बारे में बताया। अगर कोई मेरे आसपास जिला के हैं, गया जिला के हैं, अगर उनको प्री मेडिकल चेक कराना है बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगा, प्री मेडिकल चेक कराना तो आप सैटरडे या शनिवार को चेकअप कर सकते हैं। गांधी मैदान जो फील्ड है वहीं पास हम अपने सर के साथ में आपको चेकअप कर देंगे बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप कॉल करके बोल सकते हैं, जो मेरे आसपास के हैं, बहुत दूर से मत आ जाइएगा, जो मेरे आसपास के हैं, मेरा गया जिला है, जो बिहार के लोग हैं वो आ सकते हैं, फ्री में चेकअप हो जाएगा, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर और भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। लगभग एक मंथ के अंदर में, इस मंथ में लगभग 2300 लड़का लोग मैसेज किए हैं, 2300 को सारा का सारा रिप्लाई मिला, सभी को रिप्लाई मिला, किन्हीं को मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको रिप्लाई नहीं मिला, सारा लोग को रिप्लाई दिए हैं 2300 के। और आप तो आपको स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहा है, इस पर अपना प्यार भी भेज सकते हैं, और अगर हमसे पर्सनली बात करना तो इंस्टाग्राम तो खुला है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, सबका रिप्लाई मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।